श्री गणेशाय नमः। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन के कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपके पहले भाव में, लग्न स्थान में, यानी आपकी राशि में ही रहेंगे। जी हाँ, चंद्रमा की ये पोजीशन आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। इसका मतलब ये दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। इस समय में आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो सकती है। सुबह से ही आप उत्साह में रहेंगे, जोश से भरपूर रहेंगे। अगर आपके कोई काम पेंडिंग है तो ये सही वक्त है उन कामों को पूरा करने के लिए। इस दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे। पॉजिटिव सोच के साथ आज के दिन की शुरुआत होगी। इस दिन आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। जी हाँ, कुछ ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसकी आप या तो वेट कर रहे थे या तो आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं था। इस समय में आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। परिवार में भी कोई बड़ी खुशी इस समय में आने की संभावना है। ये समय नौकरी करने के लिए उत्तम है। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। इस समय में अगर आपको निवेश करना है तो निवेश जरूर करें, क्योंकि 4 गुना फल तक इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। इस वक्त आपकी डेली की इनकम में बढ़ोतरी होगी। जो लोग डेली में कमा रहे हैं, जिनका इनकम डेली में दिखाई देता है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप से भी आपको बढ़िया लाभ होगा। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ मधुर रहेगी। घर परिवार में प्यार और शांति का माहौल रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए, खुशियां मनाने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर से, परिवार से आपको पूरा सहयोग इस समय में मिल रहा है। ये समय यात्राएं करने के लिए भी बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, अगर यात्राएं करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेगी। बिजनेस के लिए अगर आप यात्रा करते हैं या आपके प्रोफेशन के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है तो आपके लिए समय शुभ है, यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेगी। दोस्तों, लव लाइफ में इस समय में रोमांटिक माहौल रहेगा। लव लाइफ के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। अगर भविष्य के निर्णय लेना चाहते हो या अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकूल है, सफलता मिल सकती है। इस समय में आपके पेंडिंग काम पूरे होंगे। काम करने की आपकी जो गति है वो बढ़ेगी। आपकी लगभग सारी इच्छाएं इस समय में पूरी हो सकती है। आपको प्रयास करना होगा। अगर हम कर्म करते हैं तो ही हमें फल की अपेक्षा करनी चाहिए। घर बैठे बैठे बिना कुछ किए कोई भी काम नहीं हो सकता। खरीदारी करने के लिए समय अनुकूल रहेगा, तो इस समय आप शॉपिंग कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। शॉपिंग करने के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। दोस्तों, ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी शुभ साबित होगा। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इस समय में चंद्रमा की कृपा आपको मिल रही है। चंद्रमा आपको एकाग्रता दे रहे हैं, जिस वजह से आप कम समय में ज़्यादा विद्या ग्रहण कर सकोगे। इस समय में आप जैसे चाहोगे वैसे रिजल्ट्स आप ला सकते हो। मेहनत जारी रखना जरूरी रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको प्रशंसा मिलेगी। आपका किया गया काम लोगों को दिखाई देगा। मित्रों के बीच आपका उठना बैठना इस समय में हो सकता है। जी हाँ, इस समय में आप काफ़ी लोगों के बीच रह सकते हैं। इस वक्त आप अपनी पर्सनैलिटी पर ज़्यादा ध्यान दोगे। आपका शौक इस समय में आपकी पर्सनैलिटी में नज़र आएगा। आपसे लोग आकर्षित हो सकते हैं। आपकी बोली में मिठास रहेगी, स्वभाव में गंभीरता रहेगी। इस समय में आप लोगों को जोड़ने में, अपने काम लोगों से निकलवाने में और लोगों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। ये समय आपके लिए हर प्रकार से शुभ है। लगभग हर क्षेत्र में आपको इस दिन सफलता मिल सकती है। इस दिन को मंगलमय तरीके से व्यतीत कीजिए। इस दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक रहोगे, स्वस्थ और मस्त रहोगे, उत्साह और जोश से भरपूर रहोगे। इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। इस दिन आपके लिए ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और लकी नंबर रहेगा 9 नंबर। दोस्तों, इस दिन अगर आप पीला फल, पीली मिठाई खाकर घर से निकलते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।